प्रधानमंत्री साहब की मुलाकात हुई तकरीबन राज्य माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने का सौभाग्य मिला, बहुत सार्थक चर्चाएं हुई और अनेकों विषयों पर उनका मार्गदर्शन मिला। मध्य प्रदेश में 8, 9 और 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने वाला है, प्रवासी भारतीय दिवस, उसके उपलक्ष्य में 3 दिन कार्यक्रम, और दुनिया भर से 80 से ज़्यादा देशों से प्रवासी भारतीय मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। मध्य प्रदेश की परंपराओं के अनुकूल उनके स्वागत की व्यवस्था की जा रही है और अनेकों प्रकार के कार्यक्रमों की रचना हमने की है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करने इंदौर पधारेंगे। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में 11 और 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भी और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी गुआना के और सूरीनाम के राष्ट्रपति जी भी पधार रहे हैं। अनेकों देशों के मंत्री आ रहे हैं अलग अलग अपने अपने डेलीगेशंस लेके, और इसलिए मैंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि वो उद्घाटन करें, क्योंकि इंदौर से वो आएंगे तो फिर वहीं दोबारा इतने जल्दी जाना संभव नहीं होता, तो मैंने आग्रह किया कि वर्चुअल उद्घाटन करने की कृपा करें। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की भी हमारी काफ़ी तैयारियां हैं, 68 से ज़्यादा देशों के बिजनेसमैन, इन्वेस्टर डेलीगेशंस, 34 देशों के हमारे एम्बेसडर्स और अलग अलग राजनयिक भी वहाँ पधार रहे हैं। फिर मध्य प्रदेश में G20 के अनेकों आयोजन होने हैं, 8 बैठकें मध्य प्रदेश में होनी है, तो उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन मिला। हम मध्य प्रदेश के खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी मध्य प्रदेश पर संपन्न होना है, आज उसका लोगो भी लॉन्च होगा भोपाल में। तो इन सारे प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने मार्गदर्शन लिया है और उन्होंने अनेकों महत्वपूर्ण सलाह सुझाव दिए हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में हमने पेसा एक्ट लागू किया है। धरती पर हम हमारे आदिवासी भाई बहनों को जंगल, जमीन और जल और उनकी संस्कृति और परंपराओं को अक्षुण बनाए रखने के जो अनेकों नियम बनाए हैं, उस पर भी विस्तार से माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश के विकास के कामों की मैंने जानकारी दी। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट एक लगने वाला है मध्य प्रदेश में, एजेंसी वगैरह सब तय हो गई है। बांध के ऊपर सोलर पैनल बिछा के हम बिजली बनाएंगे तो हमारी जमीन भी बचेगी और पानी भी भाप बन के नहीं उड़ेगा। एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, विशेषकर पर्यावरण को बचाने के लिए सौर एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैंने उसका भी शिलान्यास करने का आग्रह प्रधानमंत्री जी से किया है। प्राकृतिक खेती इस बार मध्य प्रदेश में हमने शुरू की है, 53,000 किसानों ने, तो प्राकृतिक खेती के बारे में भी मैंने उनको जानकारी दी है। विकास की अनेकों परियोजनाओं की चर्चा हुई है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है और संतोष है कि प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन और भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है। बैठक में इन्हीं कई मुद्दों पर चर्चा। सर, एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी जो आज शाम को होने वाला, सर उसके संदर्भ में? आज सवेरे शुरू हो गया, मैं जाके सम्मिलित होऊंगा कैपेसिटी बिल्डिंग का। देखिए, हमारे मंत्रियों में, हम में, हमारी टीम में अनेकों क्षमताएं होती है, लेकिन उन क्षमताओं का बेहतर उपयोग हम कैसे कर पाएं, एक एक क्षण का बेहतर उपयोग हो, काम को और बेहतर ढंग से हम कैसे कर पाएं, चाहे वो डेवलपमेंट के काम हो, चाहे वो जन कल्याण के काम हो, उस काम में हम निरंतर लगे हुए हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज
बाला सुब्रमण्यम जी, सचिन चतुर्वेदी जी सब भोपाल में हैं और हम लोगों ने तय किया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अधोसंरचना का विकास, 10 उपलब्धियां और 10 चुनौतियां, उस पर मंत्रियों के अलग अलग समूह बने हैं और चर्चा प्रारंभ हो गई है। मैं भी अब सीधे यहाँ से भोपाल जाके उस चर्चा में शामिल हूँ।